पंजाब में कलह के साथ साथ कैप्टन और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। वहीं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का भी इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है। दरअसल सीएम चन्नी रविवार को चमकौर साहिब के मोरिंडा में मौजूद थे, जहां उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए कई घोषणाएं की। इस मौके पर उन्होंने नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। सीएम ने सिद्धू के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में सिर्फ कार्यकारी डीजीपी लगाया गया है। इकबाल प्रीत सहूता अस्थायी तौर पर डीजीपी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के नामों की लिस्ट भेजी गई है जिनको पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। जे नियुक्ति है वो जे होनी है केंद्र सरकार नो एक देखो सीधा जा कानून है। सिद्धू साहब नो भी मैं बैठ के दसिया, उन्हां नो भी पता है कि डीजीपी लाने वास्ते 30 साल जिन्हां दी सर्विस हो गई है पुलिस दे विच अफसरां दी, उन्हां दे नाम सारयां दे केंद्र सरकार नो भेजे जांदे। पिछले डीजीपी दा समा पूरा हो गया, ऐसी सारयां दे नाम उपर भेज दित्ते। उहदे विच तीन नाम दा पैनल केंद्र सरकार ने सानू भेजना है। तीन नाम चो जिहड़ा पैनल बनेगा उहदे विच सिद्धू साहब नाल भी MLA साहिबान नाल भी मंत्रियां साहिबानां नाल भी पंजाब चो पूरी जानकारी लेके जिहड़ा चंगा बंदा होएगा उहनूं डीजीपी लगावांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो पार्टी फोरम पर अपनी बात कहें। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ तालमेल से काम करना चाहती है, अगर कोई फैसला या बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर अपनी बात कह सकते हैं। आम लोगों के बीच चुना हुआ नुमाइंदा है, आम साधारण बंदा जिथे तक देखो सरकार का काम है, सरकार ने अपना काम ईमानदारी नेक नीति और सारे नाल लेके करना। पार्टियां का काम सिद्धू साहब कर रहे, ऐसी दोनों जने कोऑर्डिनेशन नाल काम करिए और ऐसी करना चाहते और कर रहे हैं। बाकी जे कोई किसी तरह का आपस के बीच कोई गल नहीं पसंद आ रही तो पार्टी फोरम के बैठ के ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है उसके विच आके थोड़ी मीटिंग तो बाद भी रीट। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री 4.5 साल में किसी से नहीं बोले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी मुख्यमंत्री बना है, लोग उन्हें किसी भी वक्त मिल सकते हैं।